जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान के मद्देनजर डीडीओ प्रांगण से पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन के साथ रवाना किया गया, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 4126 बूथ हैं तथा सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है तथा कुछ पार्टियां बची हुई हैं, उन बूथों के लिए कार्मिकों को बदलकर पोलिंग बूथ के लिए भेजा जाएगा तथा प्रयास है कि सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर पुलिस बल व केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी तथा सभी बूथों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। जो कमी होगी उसको शाम तक पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ बूथों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, नंबर 104 कृपया आप अपनी मतदान सामग्री अपने टेबल से तत्काल प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद अपने वाहन में अपनी जगह बना के आप अपने गंतव्य तक समय से पहुंच जाए। कहाँ पे मिल रहा है? हेलो, क्या राम प्रवेश सिंह जी, एक संख्या बताइए। सभी सेक्टर में अपने पीठासीन अधिकारियों से संपर्क कर लें और जल्द से जल्द पार्टियों का रवाना कराना असल बात 27 को हम ट्रेनिंग दिए, लोगों का ट्रेनिंग 22 को था। वो लोग ट्रेनिंग दिए कि नहीं दिए इसका पता भी मुझे नहीं है। वो नंबर वहाँ से पता किए हैं तो ऊपर आप वहाँ पहले नहीं है। सर, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, कितनी पोलिंग पार्टियां हैं? टोटल जो पोलिंग पार्टियां हमारी 4126 है और जिसकी रवानगी के लिए हमारे 9 विधानसभाओं के अलग अलग जो है स्थल बनाए गए हैं। इसमें सारे कर्मचारियों ने अभी रिपोर्ट कर दिया है और अभी पुलिस की टीम के साथ कंप्लीट करते हुए सबको रवाना किया जाएगा और उम्मीद है कि हम लोग अगले 2-3 घंटे में सबकी रवानगी करा देंगे। सर, कितने 4126 है, उसमें से 2200 बूथ है जिसमें हम वेबकास्टिंग कर रहे हैं और वेबकास्टिंग के लिए हमारी एक अलग टीम लगी हुई है। सारे कल एक ट्रायल रन कर लिया गया था और आज भी वो सारा कर दिया गया है। इसके अलावा जो है 300 प्लस बूथों पे जो क्रिटिकल है वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर भी भेजे गए हैं, जनरल ऑब्जर्वर द्वारा। किस तरह से कार्य करेंगे पोलिंग पार्टियां? जो पोलिंग पार्टियाँ अपना जो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश और जो उनको ट्रेनिंग कराई गई है वो आज से ही अपना बूथ बना के कल एक अच्छा निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। नहीं, हमारे 4000
126 बूथ हैं और सभी जगह पोलिंग पार्टियां रवाना लगभग हो गई हैं। कुछ पार्टियां अभी बची हुई हैं, उनके लिए जो रिप्लेसमेंट के लिए कार्मिक प्रभारी द्वारा किया जा रहा है और 100% अभी अतिशीघ्र हम लोग रवाना कर देंगे। कंट्रोल रूम से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है और वहाँ व्यवस्थित करने के लिए भी हमारी टीमें लगातार मॉनिटर कर रही हैं। कोई अगर कार्य अवशेष रह जाता तो उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। एक सुगम व्यवस्था के साथ मतदाताओं को मतदान करने का वातावरण मिले, इसके लिए पूरे प्रयास किया जा रहा है।